Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ECAT और MCAT के स्टूडेंट्स के लिए Dow University of Health Sciences, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और दीगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में 2009 का बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पेपर और 2010 का बायोलॉजी पेपर कंप्लीट किया, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक इन वीडियोस को नहीं देखा तो एक्सीलेंस ऑनलाइन के इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ऑनलाइन एमकैट ईकैट पास पेपर सॉल्यूशंस में जाइए और इन वीडियोस को देखकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आज हम बाकायदा आगाज करते हैं 2010 के पास पेपर का, जो एमकैट और ईकैट के स्टूडेंट्स के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इन एसिडिक मीडियम फॉर्मिंग ए इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। पास पेपर सॉल्यूशन करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमें यह अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, रिएक्शन किस तरह पूछे जाएंगे, क्या हमें रिएक्शन सॉल्व करने को मिलेंगे, क्या हमें रिएक्टेंट बताए जाएंगे, प्रोडक्ट मालूम करना होगा, क्या हमें इन रिएक्शंस को सॉल्व करना होगा, क्या स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। तो इन सारे सवाल के जवाब इंशाल्लाह जब पास पेपर की सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे होंगे आपको मिल रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त आप कॉपी पेंसिल के साथ होंगे और आप अपने आंसर्स को नोट भी कर रहे होंगे, और जैसे ही आपको सही जवाब मिलेगा आप खुद की मार्किंग भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो याद रहे, जब कीटोन रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ इन एसिडिक मीडियम इट फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चैप्टर नंबर 9 से ये क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जब आप प्रिपरेशन देखते हैं तो वहाँ या केमिकल रिएक्शन ऑफ कीटोन में भी आपको रिएक्शन मिल सकता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज All of the following are polar covalent bonds except Cl2, O2, N2, HF and H2. इस तरह के सवालात पे हम यूं कह सकते हैं pick the odd one out. बाकी तमाम के तमाम आपको similar लग रहे हैं सिवाय एक option के, Cl2, O2, N2 and H2 all are non-polar covalent bond compounds, but HF, hydrogen fluoride, is a polar bond compound. So the right answer is HF. Question number 3. Mustard gas is formed by the treatment of sulfur monochloride with ethane, methane, ethene, ethylene and chloroethane. Again, organic chemistry से एक सवाल। आप देख रहे हैं कि reaction किस तरह पूछे जा सकते हैं। आपको reactants देकर product पूछा जाता है, या फिर आने वाले सवालों में ये भी दे सकते हैं कि product से हमें reactant पूछे जाएं। तो right answer इस वक्त ethene है। Mustard gas form होती है when ethene is reacted with sulfur monoxide. Question number 4. Water has the maximum density at what temperature? -4°C, 4°C, -20°C, 20°C और 10°C. क्वेश्चन हमें तीन तरह के पूछे जा सकते हैं। एक हमारी मेमोरी को हिट कर रहा होता है, एक हमारे कॉन्सेप्ट पर होता है, और एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस वक्त ये सवाल आपके पास एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यू नो 4°C पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी हमें मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्टली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव? Sugar dissolved in water, salt in water, salt dissolved in organic solvent, oil and water mixer, या simple oil. Salt and water is a good conductor of heat and electricity, so the right answer is salt in water. Here is a reaction, A plus B, reversible arrow, C plus D. याद रहे, reversible arrow पर यहाँ पर हम गौर करेंगे क्योंकि उसी से मुंसलिक करते हुए हम यहाँ पर चीजों को समझेंगे। The equilibrium constant can be expressed as Kc is equal to bracket AB into bracket CB, Kc is equal to CB upon AB, Kc is equal to CD upon AB, Kc is equal to C comma D A comma B, Kc is equal to A comma B and C comma D. याद रहे, यहाँ पर इन ब्रैकेट्स और कॉमा का बहुत बड़ा रूल था। The right answer is Kc is equal to bracket C into bracket D divided by bracket A into bracket B. क्योंकि हम Kc के बारे में पढ़ते हैं, the product of concentrations of the product divided by the product of concentration of their reactants. The next question is phenolphthalein is an indicator used for. Phenolphthalein ka istemal hum kaun si condition mein karte hain? Weak acids or strong base jab hamare paas maujood honge titration mein to hum phenolphthalein ka istemal kar rahe honge. Question number 8 is all of the following are true statement concerning reaction order except
याद रहे अब नीचे दिए हुए तमाम के तमाम सही ऑप्शंस होंगे सिवाय किसी एक के। द रिएक्शन ऑर्डर रेंज फ्रॉम मिनिमम 0 to 3। रेट एक्सप्रेशन लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन देन द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन दैट रिएक्टेंट। ऑप्शन डी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ रिएक्शन नॉट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। एंड ऑप्शन ई, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इन तमाम की तमाम बातों में कोई एक बात गलत थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्चुअली ऑप्शन डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Question number 9, the energy profile diagram for the reaction in the presence and absence of catalyst are shown below. In these profile A represents. इस वक्त स्क्रीन पर हम देख पाते हैं एक प्रोफाइल ए हमारे पास मौजूद है और एक और प्रोफाइल मौजूद है जिसे हमने लेबल नहीं किया। हमसे सवाल में पूछा गया कि प्रोफाइल ए हमें क्या इंडिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट। ए इज थ्रीफोल्ड एनर्जी, इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, is the average internal energy of reactants, it is the energy of activation in the presence of catalyst or none of them. So the right answer is energy of activation in the absence of catalyst. एक बार फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर catalyst होता तो वो इस energy of activation को decrease करता, मगर energy of activation increase हुई भी है यहाँ पर। Next question is regarding ethylene glycol, all of the following are true except, इनमें से कौन सा इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यस इट्स अ राइट स्टेटमेंट। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 62, यस इट्स अ राइट स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, यस इट इज अ राइट स्टेटमेंट। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज CH3O, अगेन इट्स अ राइट स्टेटमेंट। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज CH6O, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज द राइट आंसर। Elements in given period have same A atomic weight, maximum azimuthal quantum number, maximum principal quantum number, valence electrons or atomic number. Same period में elements के maximum principal quantum numbers same होते हैं। Chapter number 4, first year. नहीं, chapter number 3, first year atomic structure. Next question is ionic hydrides. Options are colorless non-volatile salts like solids, are sufficiently unstable towards heat, stability increase with increasing in their atomic masses, are insoluble in water, are used as oxidizing agent in metallurgic processes. Chapter number 2, second year chemistry, binary compounds of hydrogen. पास पेपर पढ़ते वक्त हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी सवाल उठ के आ सकता है। याद रहे कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी किताब को हमें पढ़ना पड़ेगा और पूरी बुक पढ़ने के बाद ही हम इस बात का फैसला कर सकते हैं कि हम उस पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है यहाँ पर, तमाम ही चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। राइट आंसर इज दे आर कलरलेस नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। याद रहे इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए थियोरेटिकल क्लासेस में जो ग्रुप ट्रेंड्स हमें पढ़ाए जा रहे होते हैं उसमें हमें महारत हासिल करनी होगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीजियम, बिकॉज इट इज इन द वेरी बॉटम ऑफ द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन मोर इज। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन बी मेटालिक कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑप्शन ई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। याद रहे हम एक टेक्निक और सीखते हैं ठीक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि अगर हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दें तो हमारे पास सही ऑप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम ब्लाइंड गैस नहीं लगा सकते, 0.25% नेगेटिव मार्किंग भी है मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में से एक ठीक जवाब होगा। द राइट आंसर इज बी मेटेलिक कैरेक्टर्स। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, द चीफ इंप्यूरिटीज इन बॉक्साइट आर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से यह सवाल है। ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड सिलिका, ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम या नन ऑफ देम।
याद रहे 2009 के पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उस वक्त भी इस टॉपिक से एक सवाल हमें मिला था कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं एल्यूमिनियम में और कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात दोहराने का मकसद ये था कि टॉपिक किस तरह से सवाल आपके सामने ला सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड सिलिका। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे।